फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं इस टाइम पे बैठी हूँ धूप में और हम लोग जो हैं वो खाने लगे हैं किन्नू। तो आप लोग भी आए हमारे साथ और किन्नू जो है वो एंजॉय करें। तो धूप बड़ी तेज़ तो यहाँ पे मेरे साथ राइन और आयजा भी बैठे हुए हैं। हम लोग अभी जो है सहन पे बैठे हैं बाहर ऊपर छत पे आके। तो छत तो नहीं कह सकते क्योंकि छत हमारा इससे ऊपर है, तो ये हम थर्ड फ्लोर पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे हमारा एक सीन है और वहाँ पे ये बड़ी अच्छी सी धूप आ रही है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए और साथ में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं धूप में बैठ के। तो मैं राइन और आयजा से भी आपको मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ बैक कैमरा खोल के। और ये देखें कितनी अच्छी छोटी सी ईगल भी है और यहाँ पे छोटी सी एक गुलहरी भी है। ये देखें कितनी मस्ती कर रही है वो छत पे बैठी हुई। और वो देखें कितने सारे पिजन्स बैठे हैं, ईगल ईगल्स और पिजन। ईगल्स और पिजन भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं धूप को, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है कराची में। और ये देखिए यहाँ पे आयदा जो है ना ये ब्रश पकड़ के खड़ी हुई, कह रही मैं ऊपर आज जो है ना ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करूंगी। लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? ऑरेंज खा रही हूँ। हेलो करो आयजा व्यूअर्स को। ये देखें आयजा, आयजा को देखें जरा, आयजा क्या करती है। आयजा पॉइंट सुनाओ मामा को। हेलो मैनू पी, कहाँ से आ गए? ये हमारी आयजा है भाई, आयजा को बड़ा शौक है, मस्ती बहुत करती है मेरी आयजा। ये छोटी सी आयजा नहीं, ये छोटी सी जो ये बहुत मस्ती करती है। जब ये छोटी होती थी ना व्यूअर्स, तो इसकी जो गालें होती थी ना वो यहाँ लटक रही होती थी। और ना जो कोई आता था ना वो इसकी ना ऐसे गालों को पकड़ के खींचता था, खींच खींच के जो है ना इसकी गालें लटका दी। दिखाओ आयजा जरा व्यूअर्स को, दिखाओ फेस ऊपर करो। ये देखें ये मेरी छोटी सी प्यारी सी। ये तो खा रहे हैं ऑरेंज वगैरह, तो मैंने इनको छील के दिए हैं ऑरेंज और ये लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं ऑरेंज। हाँ जी, तो फ्रेंड्स जैसे हमारी सिस्टर जी का एक चैनल है नीलम सैम के नाम से, तो उनका कल का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत अच्छी बात उन्होंने करी है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे का जो है वो साथ दें। वाकई हकीकत है जो बड़ी यूट्यूबर्स हैं वो तो जो है वो एक चेन बना के पूरी चल रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे मोटे यूट्यूबर्स को नहीं कोई पूछता, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन हम भी बड़े यूट्यूबर्स बनेंगे। और जो है वो, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि जो हमारे छोटे यूट्यूबर्स हैं हम उन लोगों को भी जो है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। तो कोई बात नहीं, जो है नीलम सैम ने, सिस्टर जी ने बहुत अच्छी बात करी है। तो यही बात है कि बस आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। और अगर वो कहती हैं कि छोटे वगैरह आप क्लिप्स वगैरह उनको बना के भेजें तो अच्छी बात है, किसी को सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह जो है हमारे चैनल भी जो है वो ग्रो होंगे और अच्छा हम लोगों को रिस्पांस मिलेगा। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे का साथ जो है वो दे के चलें, ताकि जो है आप लोग भी अपने मकसद में, जो जो जिस जिसका मकसद है वो अपने मकसद में कामयाब हों। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है मैंगो ऑरेंज वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। अब मैं इनको लेके जाती हूँ नीचे और जाके नीचे का आपको जो है अभी नीचे का जो मेरा काम वगैरह थोड़ा सा बहुत रह गया है वो करूँगी मैं जाके। और हम लोगों का जो घर है ना वो जो है थोड़ा सा बना रहे हैं हम लोग उसको और मज़ीद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काम तो शुरू होना ही था, लेकिन ये कि थोड़ा लेट हुआ है काम शुरू हम लोगों के घर का, तो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो आज जो है वो हमारी वो जो फ्रंट की छत है वो डलनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी नीचे जाके। कल भी मज़दूर जो है वो काम कर रहे थे, तो कल जो है मैं इस वजह से जो है व्लॉग जो है ना अपना ना बना सकी, क्योंकि आपको पता है जब घर में काम हो रहा था तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो कल भी इसी तरह जो है सारा दिन चलता रहा, तो इसलिए मैंने जो है कल की शेयरिंग आप लोगों के साथ नहीं, वीडियो अपलोड नहीं करी नहीं है। तो
कोई बात नहीं, इसी तरह जो है आप लोग खूब मेहनत करते रहें, इस मेहनत का जो फल है वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और ऐसा नहीं होता कि एक दो व्यूज़ वीडियोज़ पे ना आए और लोग जो है कि हम लोगों को देखना पसंद नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बीच में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो हम लोग जो है दूसरे लोगों की वीडियोस को जो है ना वो वॉच नहीं करते, तो लोग समझते हैं कि शायद ये हम लोगों की वीडियो को तो वॉच करते नहीं, तो हम क्यों उनकी वीडियोस को वॉच करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे होते हैं और घर के काम होते हैं तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात जो है वो बढ़ जाती है हम लोगों की। तो अभी जैसे आप लोगों को पता ही है कि बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो चुका है और साथ साथ अभी उनके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं और साथ में जो है वो हमारा घर का भी काम छिड़ा हुआ है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाती है वॉच करने की। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब कभी किसी की जो वीडियो है रह जाती है तो मैं दोबारा जाके तो फिर उनके जो पीछे वाली वीडियोज़ होती हैं मैं उनको वॉच ज़रूर करती हूँ। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, तो नीचे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो मेरे ख्याल से मजदूर नहीं आए, काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन लोगों ने कल क्या तोड़ फोड़ कर। हेलो फ्रेंड्स, ये देखें आप लोग सारे मज़दूर वगैरह आए हुए हैं और ये देखें काम हो रहा है सारा। आज यहाँ पे जो है वो छत डल चुकी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये जो है हमारा छत डल चुका है। यहाँ से जो ये वाली दीवार है कल ये टूट जाएगी और कल ये सारा जो है ये डल जाएगा, काम हो जाएगा। देखिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग था मैंने यहीं तक का इसको बनाया था, क्योंकि घर में आपको पता है कि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि काम वगैरह हो रहा है, तो आज मैंने ज़्यादा कुकिंग वगैरह भी नहीं उस तक हम ख़त्म कर सके और खैर खैरियत से सब खुदावन के फजल से अच्छा अच्छा हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है मेरी ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और सिस्टर जी नीलम सैम के चैनल के लिए जो मैंने आपको मैसेज छोड़ा था उस मैसेज पर जो है ना आप लोग ज़रूर जो है वो गौर कीजिएगा उनकी बात पे, उनके चैनल पे भी जाइएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।